सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगा कि जूई प्लांट की रूट प्रूनिंग कैसे करें। आपको इसके पत्ती नहीं दिख रहे होंगे, तो आप उधर अभी कटिंग किया है मैंने, तो आप उधर देख सकते हो उसके पत्ते ऐसे हैं। तो मैंने इसको पूरा कट कर दिया, हार्ड प्रूनिंग किए क्योंकि इसको पौधा बना रहा हूँ। आपने वीडियो देखी नहीं होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी आपको ये नीचे दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं, देखो इसके सब रूट ऐसे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए उसको ऊपर के पत्ते भी देखो कैसे थे, इतने ही मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ आते हैं इसकी। तो मैंने इसको कट तो किया है, पर अभी इसको मैं रूट प्रूनिंग भी कर देता हूँ, पर ज़्यादा नहीं रूट्स काटूंगा मैं इस बार, इसके 50% ही काटूंगा। हर टाइम मैं 70% काटता हूँ, पर इस बार 50% ही काटूंगा। इसको मैं इसके बाहर निकाल के लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो आप, मैं भी चौंक गया इसको देख के, इसकी पूरी रूट बाउंडिंग हो रही है। आप देख सकते हो पूरा ऐसा आकार बिकार सब उसके ऐसा आ गया है। अब ये देखो रूट्स ही रूट्स है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी अभी थोड़े दिन के बाद स्टॉप हो जाती थी, कुछ भी जगह ही नहीं अभी रूट्स को बढ़ने के लिए। तो अभी हम इसको कट कर देंगे। तो कटिंग के लिए आप ऐसे भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, जितना निकल रहा है उतना निकाल सकते हो ऊपर का, और फिर उसको अच्छे निकाल डाल सकते हो। पर मैं ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करता, इसको मैं ऐसा करता हूँ। और मेरे पास एक ये, मैं इसको ऐसे करके इसके ऐसे स्लाइस ऐसे निकाल के ले लेता हूँ सब, मतलब स्टैब रूट भी कट जाए ऐसा कुछ नहीं है इसके पास। जितना मुझे काटना है उतना मैं काट के ऐसा ले लेता हूँ ऐसा, इसके थोड़े थोड़े रूट्स भी कट जाते हैं। ओके अभी ये मेन रूट्स है, तो इतना मैं ऐसा ऐसे काट दूँगा। ओके परफेक्ट, जितना निकला उतना मैंने इतना निकाल डाला, बाकी बस हो गया। बाकी अभी इसको हम रूट्स को इससे अलग करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला था इस बार 50% ही काटता हूँ, इसको मैं रूट्स को इससे अलग कर देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो मैंने इसको ऐसा काट दिया, मतलब मैंने इस बार बोला था मैं 50% ही काटूँगा, पर इस बार मैंने 80% काट दिया, 20% ही रूट्स बच गए, क्योंकि मुझे लगा है कि इतना इसको इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी सारी रूट्स की। इसकी मैंने मदर मिट्टी रहने के लिए दे दी है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। तो उसके पहले एक काम करेंगे हम, मेरे पास ये है, तो इससे हम इसको मतलब इसको ऑन कर लेता हूँ मैं, और एकदम ऐसे पूरा इसको अच्छे से मिट्टी का सा भिगा देंगे। ये स्टेप बहुत मतलब एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे, मैं जब भी रूट प्रूनिंग करता हूँ तब, क्योंकि रूट्स को हवा लग जाती है और फिर वो नहीं अच्छे से ही होती, क्योंकि अभी इसको पट्टियाँ भी नहीं कि समझने के लिए रूट्स को हवा लगी है क्या नहीं, क्योंकि वो पट्टियाँ मुड़ जाती है। तो इसको हम ऐसे पूरा मैं गिल्ला कर लूँगा, आप डायरेक्ट पानी में डाल के इसको मिट्टी को ऐसा अलग भी कर सकते हो, तो मैं ऐसा करूँगा। इसको मुझे अलग करना था पर मैंने सोचा कि नहीं, पर मैंने अभी भी सोचा नहीं है समझो, ऐसा मुझे लगा मैं अलग करूँ तो अलग भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी तक तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ऐसे बाद में रख देता हूँ उसको। ओके परफेक्ट, एक मतलब इसको पूरा पौधा अलग से हमने रख दिया। ओके तो अब थर्ड स्टेप है हम लोग की, जो भी ऐसे रूट्स हो गए वो निकाल दो, जो भी आपको दिखेंगे उतनी, इतना नहीं कुछ ज़रूरत है, पूरा छान बीन के निकालो, जितना ऊपर आप ऊपर ऊपर आप दिखते हैं वो सब निकाल दो, और ऐसे हम बाजू में मैं निकाल लूँगा सब रूट्स। ओके फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मैंने जितना मुझे जमा उठना मैंने रूट्स निकाल दिया, जितना नहीं हुआ तो उतना इसमें रख दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं किया मैंने इसको। तो इस बार मैं आपके साथ एक नई ट्रिक से शेयर करने वाला हूँ, वो मैंने ट्रिक शेयर की तो मुझे बहुत मतलब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल गया, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करता हूँ। ये मेरे पास एक कौन सा भी जो भी आपके पास जूना कपड़ा होगा वो ले ले, और ड्रेनेज होल की तरह कुछ रखे ना, और इसके ऊपर ये रख दे। ओके मतलब कैसे भी आप रख सकते हो, सीधा उल्टा सीधा कैसे भी। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ बताएं, जब भी मैं इसको कोई पानी देता हूँ ना, तो फ़ौरन से देखो पानी नीचे आ जाता है, तो वो पानी नीचे नहीं आता दोस्तों, तो मतलब आता है पानी नीचे, पर क्या होता है उसको कि ये एकदम मतलब मिट्टी वाला पानी, देखो पहले बार एकदम मिट्टी वाला पानी आता है वो नहीं आता है इससे,
और ये इससे मतलब इसको ज़रा मॉइस्चर भी नीचे मिलते ही रहता है। ओके ऐसा मैं कपड़ा रखता हूँ, ये जैसे जैसे कपड़ा सड़ते जाएगा वैसे वो डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही नहीं। पर जितने अच्छे से इधर कपड़ा नीचे अच्छे से डाल दिया तो आप कैसे भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि अच्छे से डालना है आपको कपड़ा, कि वो ड्रेन होल पे ऐसा आना चाहिए। इससे क्या होता है मतलब जो भी मिट्टी नीचे आती है वो कुछ भी नहीं आती है दोस्तों। और जैसे ही ये मतलब हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जैसे जैसे सड़ जाएगा ये कंपोज डिकम्पोज हो जाएगा। तो अभी नीचे थोड़ी सी ऐसा मिट्टी डाल दो पहले, मतलब इसके लिए देखो ऐसे अच्छे से मिट्टी डाल दो, जितने भी रूट्स आ रहे हो आने दो अभी। अभी क्या और ऐसा थोड़ा सा प्रेस कर दो, ओके परफेक्ट। ऐसा प्रेस करने के बाद और थोड़ी मिट्टी स्प्रिंकल करो, और मेरे पास ये लीव्स है, ये लीव्स में डाल दूंगा थोड़ा सा, प्रेस भी करके डाल सकते हैं। ये सब मैं डालता ही हूँ, थोड़े ही है आज मैं निकाल, आज मैंने नहीं निकाले उस तरह से, तो जितने हैं उतने में डाल रहा हूँ। ये देख सकते हो कागज और तीन छिलना बनाना छिलकला है मेरे पास हमेशा होते ही है, तो मैंने वो डाल दिए कागज़ होता। थोड़ा सा प्रेस कर दो और इसके ऊपर और मिट्टी थोड़ी सी भर दो, फिर मैं फिर सेव कर दो। मैंने इतनी मिट्टी भर दी, अभी इसमें रख देंगे और आजू बाजू से मिट्टी भर देंगे। मैं इसके आजू बाजू से मिट्टी भरता हूँ फिर आपके साथ सेव करता हूँ। ये मैंने अच्छे से लगा दिया है, अब ऐसे इसकी हाँ हो गई इसकी रूट फिलिंग। अभी इतना ही करो, अभी इसको अच्छे से आप ये कर दो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए अच्छी वीडियो में, बाय बाय।